गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट वन वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट वन वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दें कि हमारे चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल है। केसी सिन्हा का भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा, सारे बुक के सॉल्यूशन 9th, 10th, 11th, 12th के मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको उसकी लिंक की जरूरत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करें और उस लिंक को ले सकते हैं आप व्हाट्सएप के जरिए, या फिर आप अपने चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरुआत करते हैं। वास्तविक संख्या है रियल नंबर, ठीक है। ये एनसीईआरटी का बुक होगा और एनसीईआरटी से इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं संख्या से, संख्याएं नंबर्स, ठीक है। नंबर्स तो नंबर्स जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। एक होती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। चलिए, तो वास्तविक संख्याएं को अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, और इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। चलिए, वास्तविक संख्या वैसी संख्याएं को कहते हैं जिनका कोई वास्तविक मान हो और जिनको संख्या रेखा पर आप प्रदर्शित कर सकते हो। जैसे -3 हुआ, 2/3 हुआ, 5 हुआ, -7 हुआ, √3 हुआ, -√5 हुआ, ये सब कहलाएंगे वास्तविक संख्या, है ना। और काल्पनिक संख्या क्या होती है, जो रूट के अंदर निगेटिव हो, जैसे √-1, √-2, √-3, है ना, रूट के अंदर माइनस में, है ना, तो ये सब क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या है। ऐसे आगे चल के आप इन संख्याओं के बारे में क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो इसको कहते हैं एक्चुअल में √-1 का वैल्यू हम लोग एक ग्रीक सिंबल आयोटा से डिनोट करते हैं। इसको आई जैसा ही लिखा जाता है, इसको आयोटा पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक ग्रीक अक्षर है जिसके बारे में आप लोग क्लास 11th में डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दें कि अगर इन संख्याओं की, जितनी भी हम लोग संख्या भी पढ़ने जा रहे हैं, इनकी परिभाषा की जरूरत होगी आपको, तो आप क्लास 9th के वीडियोस में जाके देखेंगे। अभी हम लोग सबको ओरली समझेंगे क्योंकि हम लोग क्लास 10th में है, और ये बहुत समय से आप 7th में भी पढ़े होंगे संख्याओं के बारे में, 8th में भी पढ़े होंगे, तो परिभाषा देने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। बस डायरेक्ट आप उनको जान लीजिए और चैप्टर में आगे बढ़िए। तो सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या देख लिया। अब वास्तविक संख्याओं की बात करें तो ये भी दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है परिमेय संख्या, है ना, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए, तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं अंग्रेजी में, इसको कहते हैं रियल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। और अपरिमेय संख्या को कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए, परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं, आप परिभाषा पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो p बटा q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0, ऐसे होती है ना। जैसे मान लीजिए 2/3 लिखिए, 4/7 लिख दीजिए, 0 भी लिख दिए क्योंकि इसके बाई में तो 1 है ना, 4 लिख दिए इसके भी बाई में 1 है, तो ये सब परिमेय संख्या के एग्जांपल हो गए। और अपरिमेय संख्या है जिनको p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे इसमें अगर हम एग्जांपल बात करें, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इन सब, ये सब संख्या, √4 नहीं हुआ क्योंकि वो तो 2 का स्क्वायर होता है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो ये पहले की परिभाषाएं ऐसी थी, लेकिन अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा, आप 9th में भी पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है ना, दशमलव प्रसार वो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। यानी कि यहां से एक और परिभाषा आप कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो, वो कौन सी कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसे भी आप परिभाषा दे सकते हैं। चलिए, और अपरिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो,
ठीक है। अब आपको समझ में ना होगा कि शांत क्या होता है या शांत आवर्ती या शांत अनावर्ती में इनमें फर्क क्या है। चलिए हम एग्जाम्पल से इसको पहले समझ लेते हैं, फिर संख्याओं के आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 1/8 और दूसरी संख्या लिए हैं हम लोग 2/3, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये दोनों तो परिमेय संख्या दिख रही है क्योंकि P/Q के रूप में है, तो इसमें से पता कैसे चलेगा कौन शांत है और कौन अशांत आवर्ती है। तो एक्चुअल में बिना भाग के भी पता चलता है, जिसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। हम लोग भाग देख के देखेंगे अभी यहाँ। चलिए यहाँ 0 लगाएंगे, ये कितना बार में, 1 बार में 2 0 है ना, 2 बार में 16, 4 0 5 बार में 40, ये पूरा पूरा कट जा रहा है यहाँ, यानी ये जो आया पॉइंट के बाद कुछ अंक जाके कट गए, तो इसको कहेंगे शांत, ठीक है। इस तरह के दशमलव प्रसार क्या कहलाते हैं, शांत, मतलब कुछ पॉइंट तक जाके वो कट जाए। और अशांत क्या होता है, जैसे इसको देखिए, आप इसको भाग करिएगा, 5 × 0 = 18, 2 × 0 = 18, क्या ये कभी कटेगा, ऐसे ही आते जाएगा ना 6 6 6 6। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत आवर्ती, मतलब कि ये एक पीरियड पे रिपीट हो रहा है ना, ये इसकी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है बार 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 बार, तो इसी को कहा जाता है अशांत आवर्ती, ठीक है। अब अशांत अनावर्ती क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर √2 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल के देख सकते हैं, 1.4142 ऐसे करके अंक आएंगे, चाहे तो आप इसको भाग विधि से भी बना सकते हैं, याद होना चाहिए 2 यहाँ लिखेंगे, पॉइंट देखिए यहाँ 0 0 का पेयर बनाएंगे, वर्गमूल निकालना आपको सीखे होंगे इस तरह से, और इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आएगा, तो इसमें अगर ऐसा रहता तो इसमें क्या होता है अंक रिपीट करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए 4 आया है 1 आया है, फिर 4 के बाद 1 आना चाहिए तब ना आवर्ती होता, लेकिन ये सेम नहीं आएगा कभी भी, रिपीट भी नहीं करेगा, इसलिए इसको अशांत कहेंगे और आवर्ती कहेंगे, ना कभी कटेगा और ना कभी रिपीट करेगा। देखना यहाँ 1 है तो फिर यहाँ 2 आ गया, 4 के बाद 1 है, यहाँ 4 के बाद 2 आ गया, तो इस तरह के दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती कहलाते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग परिमेय संख्या के अगले पार्ट पे चलते हैं। अब अगर बात करें परिमेय संख्या की, तो ये भी 2 तरह की होती है। पहला होता है भिन्न, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है पूर्णांक, अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। तो भिन्न क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में हो और Q not equal to ना तो 0 हो ना तो 1 हो, 0 और 1 कुछ भी ना हो, जैसे मान लीजिए 2/3 हुआ, 4/7 हुआ, -1/5 हुआ, तो इस तरह के जो होंगे ये क्या कहलाते हैं, इस तरह की परिमेय संख्याएं भिन्न कहलाती है, क्योंकि देखिए ना नीचे 0 है और ना ही 1 है, ठीक है। और पूर्णांक क्या होता है कि वो P/Q के फॉर्म में हो और Q जो है हमेशा 1 हो, ना तो डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहेगा, यानी जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब संख्याएं क्या कहलाएंगे, पूर्णांक, क्योंकि देखिए सबके फ्रैक्शन नीचे क्या है, 1 है, बटा में हर में क्या है, 1 है, इसलिए सब क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे, समझ गए। अब पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक 3 तरह के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। तो पूर्णांक में पहले बात करेंगे ऋणात्मक, आपको नाम से ही परिभाषा पता चल जा रहा होगा, एग्जाम्पल पता चल रहा है, ऋणात्मक पूर्णांक है ना, तो जो माइनस वाले होते हैं उनको कहते होंगे, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, निगेटिव ना, निगेटिव इंटीजर, ठीक है। अच्छा, दूसरा है शून्य पूर्णांक यानी कि जीरो इंटीजर, ठीक है। और एक होता है धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, समझ गए। चलिए अब ऋणात्मक में -1 -2 -3 ये सब आएंगे, और जीरो में सिर्फ 0 आएगा, जीरो ही आएगा, और धनात्मक में 1 2 3 ये सब। अब धनात्मक पूर्णांक को एक और नाम दे सकते हैं, किस नाम से आप जान सकते हैं, तो इसको आप एक और काम का नाम से जान सकते हैं, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर की परिभाषा आप पढ़ेंगे कि ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होकर गिनती के तरफ बढ़ते हैं वो प्राकृत संख्या कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक दोनों को मिला दीजिएगा तो यह बन जाएगा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर,
होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर जो एक से जीरो से शुरू होकर गिनती की तरफ बढ़े, जीरो एक दो तीन, ये सब क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्या कहलाते हैं। समझ गए? अब कुछ और संख्या है उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं जो बहुत ही जरूरी है ना। जैसे है सम संख्या, एग्जाम्पल से ही देख लेंगे, इसकी परिभाषा नहीं लिखेंगे हम लोग, यानी कि इवन नंबर। तो आप पढ़े होंगे पहले ही कि ऐसी संख्या है जो दो से विभाजित हो जाए उसको सम संख्या। दो से विभाजित होने वाली, अब आपको बता दें कि जीरो भी आपको लेना होगा, प्लस माइनस टू, माइनस में भी हो सकता है ना, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस सिक्स, प्लस माइनस एट, यानी कि प्लस में भी और माइनस में भी दोनों। तो सम संख्या देखिए, जीरो भी दो से विभाजित हो सकता है, दो भी हो सकता है, माइनस दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, माइनस चार भी हो सकता है, ये सब सम संख्या कहलाते हैं। लेकिन इसके पहले आप पॉजिटिव में जानते थे, दो चार छह आठ कहते थे, लेकिन अब ध्यान रखेंगे कि प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि आप बड़े क्लास में आते जा रहे हैं, है ना। अगला है विषम संख्या। विषम संख्या को क्या कहेंगे? ऑड नंबर। ऑड नंबर तो जो दो से विभाजित ना हो, जैसे कि आप प्लस माइनस एक ले सकते हैं, प्लस माइनस तीन ले सकते हैं, प्लस माइनस पांच ले सकते हैं, प्लस माइनस सात ले सकते हैं, ये सब हो जाएंगे। समझ गए? अच्छा, तीसरी हम लोग संख्या की बात करेंगे, वो लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, एक्चुअल में बता दें अभाज्य संख्या को एक और नाम से जाना जाता है, रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे मान लीजिए दो होगा, एक से कटेगा और दो से कटेगा, तीन होगा, है ना, और क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा, सात हो जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा, ग्यारह हो जाएगा, तेरह हो जाएगा। ये सब संख्याएं जो है या तो खुद से कटेंगी या फिर एक से कटेंगी, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, एक्चुअल में इसको भाज्य संख्या भी कहते हैं, भाज्य संख्या। तो इसकी उल्टी हो जाएंगे ना, ये जो अभाज्य संख्या है उसी का उल्टा, ठीक है। तो यौगिक संख्या या अभाज्य संख्या क्या होता है इसको बारे में देखते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो अंग्रेजी में कहेंगे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखिए कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं इसके बारे में, तो ऐसी संख्याएं जो एक से कटेंगी और अपने आप से कटेंगी और किसी और संख्या से भी कट जाए, है ना, एक से भी कटे, अपने आप से भी कटे और किसी और संख्या से भी कट जाए। तो कौन कौन सा हो जाएगा, चार हो जाएगा, छह हो जाएगा, आठ हो जाएगा, नौ हो जाएगा, दस हो जाएगा, बारह हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये अपने आप से भी कटेगा, एक से भी कटेगा और किसी और संख्या से भी कट जाता है। तो ये सब यौगिक संख्या यानी कि भाज्य संख्याएं कहलाती है। समझ गए? देखिए एक्चुअल में ये भाज और अभाज में माइनस वाले नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें ध्यान रखिएगा कि परिभाषा में कुछ इस तरह से लिखते हैं कि वैसी प्राकृत संख्याएं, है ना, जो एक से कटे और अपने आप से कटे वो अभाज संख्या कहलाती है, ठीक है। तो इसमें निगेटिव वाले नहीं आते हैं, अभाज में भी और यौगिक में भी, दोनों में माइनस वाले नहीं आते, आप यहां भी देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला एक और देखते हैं, अगला संख्या जो होते हैं वो हम देखते हैं असहभाज्य, ठीक है, असहभाज्य संख्या, यानी इसको अंग्रेजी में कहेंगे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ऐसी दो संख्या, जैसे मान लीजिए ए और बी दो ऐसी संख्या है ना, जिनका एचसीएफ जो है ना, एचसीएफ वन आ जाए, अगर एचसीएफ वन हो रहा होगा तो वो असहभाज्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें चार और नौ, दोनों का एचसीएफ वन होगा ना, ये दोनों असहभाज्य है। कहते हैं चार और कितना कह दें, पच्चीस, देख लीजिए, है ना, या कह दें दो और तीन, देख लीजिए, समझ गए ना असहभाज्य का मतलब, समझ गए। तो ये संख्याएं सारी क्लियर हो गई। अब हम लोग क्लास टेंथ के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, कुछ टॉपिक्स है उसको समझते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रमेयिका, यानी कि लेमा क्या होता है इसके बारे में। तो प्रमेयिका एक्चुअल में एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, ठीक है, ये एक तरह का स्टेटमेंट है, कथन है, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। मतलब कि ये एक ऐसा कथन होता है जिसके मदद से किसी दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखते हैं। चलिए तो यहां देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यूक्लिड डिविजन लेमा क्या है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर,
ठीक है, ए और बी क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है जो दिए गए हैं। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है, इसमें ऐसी अद्वितीय संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां आर जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है लेकिन बी से छोटा है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है इसको समझिए। आपको याद होना चाहिए विभाजन प्रमेय आप पढ़े थे, याद है आपको, तो इसको कहते थे भाज्य, इसको कहते थे भाजक, है ना, इसको कहते थे भागफल कहते थे ना, और नीचे जो आता था वो शेषफल कहलाता था। तो आप विभाजन प्रमेय एक पढ़े थे, कौन सा, किस तरह से था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। अब देखिए ये यूक्लिड का जो विभाजन प्रमेय है ना, है ना, ये प्रमेय का जो है ये इसी पर आधारित है। ये जो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिख रहे हैं, तो यहां वो संख्या है ए और यहां वो संख्या है बी, और ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान कौन सी है, तो ये भागफल आ रहा है q क्वेश्चेंट और शेषफल आ रहा है r रिमाइंडर r, ठीक है। तो यहां से आप निकालिएगा इसके अनुसार, तो भाज्य यानी कि a बराबर भाजक यानी कि b गुना भागफल यानी कि q और प्लस शेषफल यानी कि r, तो यही निकलता है। तो ये इसी से आया है, ठीक है, विभाजन प्रमेय का जो है यूक्लिड का वो कहां से आया है, इसी से। विभाजन प्रमेय का, विभाजन प्रमेय आप जब पढ़ते थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, इसी से ये उत्पन्न हुआ। तो ए यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, और ये कह रहा है क्या, इसका मीनिंग क्या है, कह रहा है कि शेषफल जो होगा ना हमेशा जीरो से बड़ा होगा या जीरो होगा। आप कभी भी भाग करते हैं तो भाग के क्रम में या तो शेषफल आपका जीरो आता है या जीरो से बड़ा आता है लेकिन इस भाजक से छोटा यानी बी से छोटा आता है। आप करके देखिए ना, यहाँ पे भाग दो एकम दो, यहाँ कट गया तीन आया, है ना, दो एकम दो एक बचेगा। तो ये देखिए जो शेषफल आया वो तो इससे छोटा रहेगा ना हमेशा। तो वही कह रहा है कि ये जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, जिसमें क्या रहना चाहिए, r हमेशा या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए या जीरो के बराबर होना चाहिए लेकिन b से छोटा होना चाहिए। तो ये इसका प्रयोग हम लोग आगे क्वेश्चन में करेंगे। ये एक तरह का स्टेटमेंट हो गया जिसके मदद से हम लोग किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एल्गोरिथम के बारे में, एल्गोरिथम क्या होता है इसके बारे में। तो एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, यानी कि कुछ स्टेप्स दिए गए होते हैं, चरण दिए गए होते हैं, कुछ स्टेप्स दिए गए होते हैं, ठीक है, एक श्रृंखला होगी जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि, है ना, या प्रक्रिया प्रदान करती है। यानी कि कुछ स्टेप्स दिए रहेंगे जो क्या करेंगे, एक विधि उत्पन्न करेंगे किसके लिए, किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए। तो चलिए एक हम लोग एल्गोरिथम देखते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, कुछ स्टेप्स दिए गए और उसी स्टेप्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे क्वेश्चन को हल कर पाते हैं, है ना, या उसे उसकी विधि मिलती है, ठीक है। तो चलिए एक देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। चलिए तो हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। यहाँ देखिए बताया था ना आपको कि स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स क्या होंगे, तो इसके द्वारा हम लोग HCF निकालेंगे। यानी कि आपको यहाँ से ये पता चल गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या निकालते हैं, कोई किसी दो संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं, दी हुई संख्याओं का HCF निकालते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये क्लियर होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम के मदद से हम लोग दो संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिया हुआ है दो धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए a और b है, ठीक है, जिसमें a क्या होगा, b से बड़ा है, a क्या होना चाहिए, b से बड़ा होना चाहिए, का HCF ज्ञात करने के लिए दिए हुए चरणों के अनुसार कीजिए। देखिए ये दिए हुए चरण है, यही आपका एल्गोरिथम है, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम है। चलिए तो पहला स्टेप क्या है कि a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, मतलब a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम ऐसे q और r ज्ञात करते हैं जहां कि a बराबर क्या हो जाए, bq प्लस r हो जाए, और r जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। तो ये तो आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अभी पढ़े है ना। चलिए यदि r जीरो हो गया, यानी ऐसे करने में, इस क्रम में अगर शेषफल जीरो आ गया, तो
तो बी यानी कि जो भाजक होगा वही आपका एच सी एफ हो जाएगा। जो भाजक होगा वो ए और बी का क्या कहलाएगा, एच सी एफ हो जाएगा। यदि आर जीरो नहीं हुआ तो पहले देख लेते हैं जीरो होने पे कौन सा एच सी एफ कहलाएगा, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या है 12 और दूसरी संख्या है 36, तो यहां देख रहे हैं 36 बड़ा है 12 से, यानी कि आपको यहां से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि ए का मान आपके पास 36 है और बी का मान 12 है। आप क्या देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना होगा, तो चलिए यहां प्रयोग करते हैं। यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होगा जीरो से बड़ा होगा है ना, या जीरो के बराबर होगा लेकिन बी से छोटा होगा, यही ना होता है। तो चलिए इधर लिखेंगे 36 और इधर लिखेंगे 12, इधर साइड में रफ में भाग कर लेंगे। कितना बार में जाएगा, तीन बार में ना, तो यहां देखिए भाज बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, समझ गए ना, इतना गुना इतना और प्लस शेषफल, हो गया ना। तो आप देखें ऊपर रूल में कि यदि आर जीरो हो गया तो बी जो होगा आपका दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि यहां से अगर आप एचसीएफ की बात करें तो यहां आपका एचसीएफ जो होगा वो 12 प्राप्त हो गया, क्योंकि 12 है ना, बी है, बी का मान यहां 12 दिख रहा है ना, इसीलिए हो जाएगा। अब अगर शेषफल जीरो नहीं आया, आर जीरो नहीं आया, तब देखिए तो बी और आर के लिए, मतलब कि बी और आर के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या का प्रयोग करिए, मतलब कि अगर शेषफल जीरो नहीं आएगा तो बी को लेंगे और आर को लेंगे, फिर दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या का प्रयोग करेंगे। और कब तक जारी रखेंगे इस प्रक्रिया को, तब तक जारी रखें जब तक शेषफल जीरो ना प्राप्त हो जाए। जिस बार शेषफल जीरो प्राप्त हो जाएगा, और शेषफल जीरो प्राप्त होते ही उसका जो भाजक होगा वही एचसीएफ आ जाएगा। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं। तो एक्चुअल में आपके एनसीईआरटी बुक में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है, वो उदाहरण एग्जाम में भी आता है, उसी को हम लोग बना लेते हैं। चलिए तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे ये जो है ना, जब शेषफल जीरो नहीं हो रहा है तब उस कंडीशन पे है ये, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए पहले बड़ा छोटा आपको ध्यान देना होगा, इसमें ये बड़ा है 4052 से, यानी कि यहाँ आप डेफिनेटली ए का वैल्यू कह सकते हैं 12576 और बी का वैल्यू कह सकते हैं 4052, ठीक है। अब यहाँ लिखिएगा, लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा, एकदम इसी तरह से लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होगा जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा लेकिन बी से छोटा होगा। तो यहाँ लिखेंगे 12576 और इधर लिखेंगे 4052, इसमें से भाग करिए रफ में, घेर लीजिएगा, रफ कर लीजिएगा, 4052 द्वारा किसमें कर रहे हैं, 12576, तीन बार में ले जाएंगे ना। यहाँ कितना जाएगा, आ जाएगा 12156, घटाइए यहाँ से 0 2 4, यानी कि हो जाएगा भाज बराबर भाजक गुना भागफल, यानी कि 3 और प्लस 420। तो देखिए तो शेषफल जीरो नहीं ना आएगा, आर का मान जीरो नहीं आया, तो किसको लेना था आपको ऊपर रूल में, तो ऊपर रूल में आपको लेना था किसको, फिर से किसको लेना है, बी और आर को। तो बी और आर इसमें कौन कौन है, देखिए तो बी की जगह ये 4052 है, आर की जगह ये है, तो फिर दोबारा ऐसे लिखेंगे 4052 अगले स्टेप में और इधर लिखेंगे 420, फिर इसमें इससे भाग करेंगे और ये दोहराते रहेंगे, कब तक, जब तक शेषफल जीरो प्राप्त नहीं हो जाएगा। चलिए इसको कितना बार में ले जाएंगे, 9 बार में ना, 0 और ये 9 2 18 8 1 36 37, घटा दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा 2 है ना, यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ हर्षिल लीजिएगा ना यहाँ, तो कितना बार में ये 7 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ फिर आ जाएगा आपका 2 272, तो आ जाएगा इंटू में 9 और प्लस 272, देख रहे ना, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल और प्लस ये होगा ना, फिर आपको देख रहे शेषफल जीरो प्राप्त नहीं हुआ है, फिर इसको और इसको फिर से लेंगे 420 को इधर और 2272 को इधर, फिर ये डिवाइड करेंगे 272 द्वारा किसमें करेंगे, 420 में, एक बार में ले जाइएगा 272, यहाँ आ जाएगा 148, ठीक है। तो 1 और प्लस फिर 148, फिर वही किए इतना गुना इतना और प्लस शेषफल, फिर अभी दोहराना होगा आपको, इधर 272 और इधर लिखना है आपको 148, है ना। चलिए तो 148 को लिखिएगा, फिर इसमें भाग करिएगा, 148 द्वारा किसमें करना है, 272 में, एक बार में ले जाएंगे 148, घटा दीजिए 124 आएगा, तो गुना में 1 और प्लस में 124, अभी फिर आपको ले जाना होगा,
148 इधर लिखना है और इधर लिखना है 124। कितना बार में ले जाएंगे? फिर एक बार में ले जाइएगा, भाग करके देख लीजिए कितना आ रहा है, 148 एक बार में, 124 घटाइएगा तो 24 आ जाएगा, यानी कि प्लस शेषफल 24। अब फिर आपको 124 इधर लिखना है और 24 इधर लिखना है, और फिर से आपको यही काम दोहराना है, ठीक है। तो ये रफ में इधर साइड में हम करते जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए। 124 ये पांच बार में ले जाएंगे, 120 यहाँ 4 आएगा, है ना। तो गुना में 5 और प्लस में 4, अभी भी नहीं आया, देख रहे ना। अब यहाँ पे लिखिए इधर 24 और इधर लिखिए 4, कितना बार में जाएगा, 6 बार में ना, 4 6 24 जीरो आएगा ना शेषफल, इसलिए आपका एचसीएफ जो होगा ये आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया ना ये। चलिए एक्सरसाइज 1.1 में अब हम लोग आ गए, और ये क्वेश्चन क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन है 135 है, और क्या है दूसरा 225 है, तो इसका देखते हैं, ठीक है, एक इसका भी बना लेंगे, है ना, बहुत ईजी है, तो आप समझ ही गए। पहले तो इसमें बड़ा छोटा आपको ध्यान देना होगा। चलिए, यानी कि यहां से आप ए का मान लिखिएगा 225 और बी का मान लिखिएगा 135, समझ गए। और फिर यहां क्या लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यहां तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे ना। चलिए, क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होगा जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा लेकिन बी से छोटा होगा। एक कंफ्यूजन आपको हमेशा रह रहा होगा कि सर यहाँ प्रमेय क्या लिख रहे हैं, यहाँ एल्गोरिथम कर रहा है। तो देखिए, जो स्टेप्स लिख रहे हैं उनको एल्गोरिथम कहेंगे, और ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो स्टेप्स लिखेंगे उनको एल्गोरिथम कहा जाता है, ठीक है, और ये आपके क्या है, प्रमेय क्या है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है। चलिए आगे इसको बनाते हैं, तो इधर लिखेंगे 225 और बराबर किधर 135, इसमें भाग करिएगा 135 के द्वारा, इधर रफ कर लेंगे 225 एक बार में ले जाइएगा ना, 135 5 ये 12 में से 3 गया 9 जीरो ना इंटू 1 और प्लस में 90 आ जाएगा ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये लिख दिया। अब फिर शेषफल जीरो नहीं आ रहा तो 135 इधर लिखिएगा और 90 इधर लिखिएगा, फिर दोबारा करिएगा 90 द्वारा 135 में एक बार में 45 बचेगा। चलिए, तो 1 प्लस 45, फिर इधर 90 लिखिए और इधर 45 लिखिए, दो बार में तो कट जाना ना पूरा, जीरो आ जाएगा शेषफल, समझ रहा है ना, इसलिए यहां से आपका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ वो क्या आ जाएगा, 45। क्लियर हो गया। चलिए चलिए, तो एक और सेकेंड इसमें का देख लेते, ये भी तो बहुत इजी है, 196 और 38220। यहां देखिए, यहां जो है 196 से वो बड़ा है, तो पहले उसको लिखिए ना। चलिए, तो यहां लिखिएगा 38220 बड़ा है 196 से, तो यानी a बराबर हो गया 38220, है ना, और b बराबर आपका हो गया 196, समझ गए। अब इसके बाद यूक्लिड यहां लिखेंगे ना, यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेय का, यहां यहां उसको लिखना होगा, हर एक क्वेश्चन में लिखिएगा, आपको याद रखना होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर लेकिन बी से छोटा है। अब यहाँ पे 38220 और इधर लिखना है 196। अब यहाँ पे आप रफ कर सकते हैं साइड में, 196 द्वारा भाग करके देखिए आप किस में, 38220 में, एक बार में ले जाइएगा ना 196, घटाइएगा यहाँ ये 3 है ना, घटाइए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 186, एक अंक उतारेंगे 2, कितना बार में ले जाएंगे 9 बार में इससे गुना करिएगा तो आएगा 1764, गुना करके आप देख सकते हैं, घटाइए यहाँ पे 8 और यहाँ 9, 98 आएगा, ठीक है। आप देखिए 98 आ गया और ऊपर से एक ये 0 आ गया, समझ गए ना। चलिए अब क्या करिएगा, ये कितना बार में जाएगा, तो ये 5 बार में 980 आ जाएगा, यानी शेषफल 0 आ जा रहा है, यानी कि 195 बार में शेषफल 0 आ जा रहा है। तो जब शेषफल 0 आ गया तो यहाँ से एचसीएफ तो आपका 196 हो जाएगा ना।
चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी के साथ वीडियो को एंड कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, है ना, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड आपको लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक की जरूरत हो, अदर चैप्टर की लिंक की जरूरत हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके वीडियोज के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आपको सभी सब्जेक्ट के सभी क्लास के वीडियोज इस पे अवेलेबल होंगे, आपको केसी सिन्हा का भी सोल्यूशन मिलेगा, है ना, आगे चल के आपको भारती भवन का भी सोल्यूशन मिलेगा, हर एक बुक का आपको सोल्यूशन यहाँ अवेलेबल होगा, ठीक है। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें।